तो एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ ठंड। जी हाँ, झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रांची में सर्दी से लोगों का जीना मुहाल है। सर्द हवाओं का सतम जारी है। धूप को भी ये हवाएं कमजोर कर रही हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान का यही हाल रहने वाला है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अंजनी। जी में लगातार ठंड बढ़ रही है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान माने तो 31 जनवरी के बाद जो है ठंड थोड़ी कम होगी, मतलब लोगों को राहत मिलेगी और न्यूनतम तापमान में भी जो है वो बढ़ोतरी होगी तो 31 जनवरी के बाद होगी। मोराबादी के इलाके में है और कहीं ना कहीं ठंड का समय है तो ऐसे समय में कम लोग जो है थोड़ी देर से ही मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं और ऐसे समय में कहा जाता है कि जब ठंड है तो मॉर्निंग वॉक आप तभी करें जब थोड़ी धूप निकली हो। एक बार थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं मोराबादी इलाके का। लोग अपने अपने लोग जो कोई जो भी मॉर्निंग वॉक करने निकले हैं तो देखिएगा मास्क है, टोपी है, तो तमाम चीज़ों को लेकर अपना एक प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन ठंड का भी अपना एक अलग मिजाज होता है और ठंड में यदि आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। मतलब 31 जनवरी के बाद से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की बात मौसम विभाग ने की है। जनवरी के बाद देखा जाएगा कम होगी या नहीं, लेकिन अभी तो 2 दिन से काफी अधिक कनकनी है। हाथ वगैरह में अगर ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हैं तो काफी अधिक परेशानी है और मॉर्निंग वॉक हम लोग अगर 6 बजे आते हैं तो आज के डेट में कनकनी की वजह से हम लोग 7 बजे आ रहे हैं और यहाँ 8 बजे से नो एंट्री खत्म समाप्त हो जाता है। गाड़ी वगैरह रोड में चलने लगते हैं तो हम लोग उसका भी प्रिकॉशन लेते हुए ग्राउंड में ही रहते हैं, रोड में भी नहीं चल पा रहे हैं ठीक से। हम लोग ग्राउंड भी पूरी तरह से ठंड की वजह से नहीं हो पा रहा। ठंड के कारण लोग कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं लेकिन इतना जन ठंड ही है, इतना मौसम खराब ही है, ये सब प्रकृति का चीज है। इसे ठंड बढ़ रही है, प्रदूषण जो ज्यादा फैल रहा है उसको रुक गया प्रगति, जो प्रदूषण कोरोना में जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था उसी चलते ये सब हो रही है। देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो बताया है 31 जनवरी के बाद जो है रांची में अभी जिस तरह से शीत लहरी चल रही है, जैसे रांची में और डाल्टनगंज में कल जो है न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, तो आने वाले समय में तमाम चीजों को लेकर आप सजग रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अभी कोरोना भी नहीं गया है और ठंड भी है और शीत लहरी भी है, तो ऐसे में तमाम लोगों को अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखना चाहिए। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।